पैसा फेर तमाशा दे, पैसा फेर तमाशा दे, पैसा देख वैसा दे, पैसा फेर तमाशा दे, ये है मिस्टर एडी। मिस्टर एडी नॉन मैट्रिक हैं, दिल जवान है, नया नया पैसा आ गया है। और ये हैं मिसेज एडी, शौहर इनके शेर हैं तो ये सवा शेर हैं। मिसेज एडी 8 जमात पढ़ी हैं। ये मिस्टर एडी की बेटी मारिया है, दिल की अच्छी है, ए लेवल कर रही है, जिसकी वजह से उसका अपना इंग्लिश का लेवल ठीक ठाक है। ये मिस्टर एडी की दूसरी बेटी फारिया है, उससे की तेज है, फोन पर घंटों बातें करना और म्यूजिक सुनना इसके शौक हैं। ये है सैम, लड़कियों का कजन है, मौसूफ हाल ही में अमेरिका से आए हैं, वहाँ हर किस्म की ऑड जॉब करते रहे, मोहब्बत के मामले में फराख दिल है। ये है मिस्टर रॉकी, पड़ोसियों की सुन गुन लेने की आदत है, मुख्तलिफ बहरूप भरने के माहिर है। क्या लग रहे, सस्पेंस से भरपूर सीन। वाह वाह वाह, क्या सीन है, हीरो पहाड़ी से कूदता है गंडासा हाथ में, मैंने ऐसा सीन तो कभी देखा ही नहीं सिवाय पंजाबी फिल्मों के। ओह हेलो, ये इंग्लिश फिल्म है, इसमें गंडासा कहाँ से आ गया? आई एम सॉरी, मैं भूल ही गया था कि इंग्लिश की फिल्म है। वैसे इंग्लिश बोल बोल के इनके जबड़े थकते नहीं है? वैसे अंग्रेजी फिल्में देखना बड़ा जरूरी है हाई क्लास में रहने के लिए, है ना? ये सीन देखो। कौन सा? खिड़की पर किसी का साया पड़ा है। साया पड़ा है। तेरा साया जहां भी हो सजना। मुझे गाना गाने का दिल कर रहा था, सिचुएशन ऐसी है, लेकिन मैं भूल गया था कि इंग्लिश की फिल्म है। पहले एक नकाबपोश कूदा, अब दूसरा कूद रहा है, पिस्तौल थामे आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़े। मुझे क्यों नहीं नजर आ रहा? टीवी देखोगे तो नजर आएगा ना। मैं देख रहा हूँ ना टीवी, होने वाली। मेरा मतलब है कि अब मुझे पता है कि ये क्या बोलेगा। क्या भाई? Hands up! पर ये आवाज टीवी में से तो नहीं आई। टीवी में से तो नहीं आई। Hands up! अरे हमारे हाथ में तो पिस्तौल है। अरे वाह वाह, कैसे आ रहा है? मेरा मतलब है कि शीदा पिस्तौल साहब, तुझे कैसे पता चला मेरी बीवी मुझे प्यार से सीधा सीधा कहती है? सैम सैम, इनकी गन देखकर ना मुझे मिशन इम्पॉसिबल याद आ गई। हमें बातों में मत लगाओ। ओए नु काम मत लाओ यार। ओए अच्छा भाई, वैसे इस फिल्म का मैंने पहला शो देखा था। अच्छा? अरे डाकू भाई, आप कम से कम अपने चेहरे से एक काला सा नकाब उतार के अपना काला चेहरा तो दिखा दें। ओए थोड़ी मार दूंगा। माफ कर दे यार, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो होने वाले हैं ना। ओए चलो हमें अंदर लेकर चलो, घर के बाकी लोगों के पास। बाकी तो सब छुट्टी पे गए हैं ईद की। अब मेरा मतलब है जहाँ पे कोई कीमती चीज पड़ी वहाँ लेकर चलो। लेकिन हमारे पास तो कोई कीमती सामान नहीं है। अंदर चलो, मैं तुम्हें बताऊंगा कीमती चीज कौन सी होती है। आपको देख के ना एक बहुत मशहूर फिल्मी डायलॉग याद आ गया। कौन सा? बड़ा मशहूर है, ये पेट मुझे दे दे ठाकुर। लगता तेरे बहुत काटने पड़ेंगे। माफ कर दे भाई, चलो आगे लगो। ओ अच्छा, मैं इनसे मिलके आता हूँ, तुम लोग यही रहो। ये भी चलेंगी। ये भी चलेंगी? अच्छा ठीक है, तुम लोग आओ। डाकू भाई मुंह उधर कर ले, ये पर्दा करती है। ओए ज्यादा फसम ना लगाओ। चलो शहजाद तुम लोग इनका ख्याल रखो, मैं इसको अंदर लेके जा रहा हूँ। चलो हाँ शहजाद, अपनी बहनों का ख्याल रखना। चलो पैसा फेंक तमाशा दे, पैसा फेंक तमाशा दे। दा 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 दी 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 दी। क्या आपका एग्जाम है खबरों का? अरे नहीं भाई, ताजा खबर सुना रहा हूँ। वैसे आप भी किसी खबर से कम नहीं। अब भाई दिलचस्प और अच्छी खबर सुना रहा हूँ, मुफ्त में सुना रहा हूँ, सुनो तो सही। अच्छा सुना भी दें। लिखा है कि 3 डाकू लूट लिए गए। 2 शरीफ आदमियों ने 3 डाकुओं को न सिर्फ लूटा, उनसे पैसे छीने, बल्कि असलहा लेकर भी फरार हो गए। बड़ी अजीब खबर है, वैसे अब ना कुछ भी हो सकता है। अभी ढूंढ ही रही थी तुम ये नजर हमारी, कि तुम आ गए अचानक, बड़ी उम्र है तुम्हारी। ये तुम मुझे कहाँ लेके आ गए हो? ये घर ही समझे,
कैसे समझूं? यहाँ तो घर वाली कोई बात ही नहीं है। अच्छा? जैसे आप में डाकू वाली कोई बात नहीं है। हेलो, वो खुशामदी तो कर लेना। खुशामदीद। डाकू भाई, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा अपनी गुनाहगार नजरों पे कि आप हमारे घर आ गए। मुझे कितनी तमन्ना थी कि देखिए अब ये उतारिए ना नकाब, ये बुरा लगता है। देखिए अब उतारिए ना प्लीज। फजलू, ये कौन है? मेरा मरहूम भाई। मेरा नाम चिदाय खातून, फजलू नहीं। इसमें इसकी बात का बुरा ना मनाइएगा। ये जब भी मनुष्य मुंह देखती है अपने भाई को याद करती है। इसका मतलब यह है कि मैं मनुष्य हूँ? नहीं नहीं, अपने भाई को कह रही है। मेरा भाई तो थानेदार था। मैं डाकू हूँ और लूटने आया हूँ यहाँ पे। अच्छा, मुँह डाकू वाला, पेट थानेदार वाला। मैं सदके में बारी। ए देते भी सदके। पहले इनकी नजर उतारनी है। नजर उतारनी है? नजर? अच्छा भाई, ये पैसे हो गए कुछ? आपके फायदे की बात है यार, क्या हो गए? निकाले निकाले। सांदा राजा मेरे बाबू दा प्यारा, अमड़ी दे दिल दा सहारा, निवीर मेरा टाकू बनिया। ये समझ रहे हैं, हमसे लेने आए। मैं वापस लूंगा साथ ही। मैं दो दूंगा। मैं 100 लूंगा। 200 दूंगा। बताइए मुझे माल किधर है? डाकू भाई, पहले इनको काटे। क्या चूंडी काटे ना? मुझे यकीन नहीं आ रहा आप हमारे घर आए हैं। भाई मैं असली डाकू हूँ, मुझे पैसा बताओ किधर है। पैसा कहाँ है हमारे पास? पैसा कहाँ है? मैं बताता हूँ भाई। बताइए। आज मैं ये राज खोल ही। नहीं अंकल नहीं, आपने ये राज नहीं बताना। हेलो, गोली मार दूंगा मैं तुम्हें। मेरा डाकू भाई आया है घर में, मैं झूठ नहीं बोल सकता। मैं आज सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। वेरी गुड वेरी गुड, आप सही आदमी है। बताओ किधर है पैसे? आपको मेरी सौ, आपने नहीं बताना कुछ भी। मैं अपने डाकू भाई पे ऐसी 100 बीवियां कुर्बान कर सकता हूँ। आप जल्दी बताइए। मैं बताता हूँ, तो सुने। नहीं अंकल नहीं। यार आप बताते क्यों नहीं, जल्दी बताइए। यार वो पे बोल पड़ता है। आप कोई बीच में नहीं बोलेगा, मैं बता रहा हूँ। मैं गोली मार दूंगा, मेरे पास असली पिस्तौल है। वो दिल ही दिल में बोल रहा है ना। मुझे लगता है इसके दिल में मुझे साफ करना पड़ेगा। अब किसी की आवाज निकली तो मैं छोड़ूंगा नहीं। चुप, कान खोल कर सुनिए। जल्दी बताए। गेट के बाहर जाएंगे ना, साथ ही पुलिस चौकी है, वहां पर तिजोरी पड़ी हुई और पैसा ही पैसा। बेस्ट ऑफ लक भी है। तुम लोग ने मुझे बेवकूफ समझा हुआ है। मैं थाने जाऊं और पकड़ा जाऊं? मुझे पैसा बताओ किधर है, मैं थाने नहीं जाऊंगा, मैं बता रहा हूं। तुम लोग ऐसा नहीं मानोगे। तुम चलो, तुम भी, तुम्हें भी तुम्हारे साथियों के साथ चले। चले मुझे पिस्तौल दे दो, थक जाओगे। तुम अब पड़ेगा डाके पे डाका। ओ डाके पे डाका, ओ डाका, डाके पे डाका, डाका डा, ए डाका, डाका डाका, ए डाका, डाका डाका, ओ डाका, डाका डाका, ओ डू। ऐसे होते हैं डाकू। देखो कपड़े देखो इनमें, और अपना भेद देखो। तुम कौन हो? रंगा डाकू। रंगा डाकू? सुल्ताना डाकू का नाम तो सुना था, इस पे शायद फिल्म भी बनी। रंगा डाकू, ये नाम तो हमने खुद पहली बार सुना है। तुम अभी बच्चे हो डाका मारने में। बच्चे? मुझे पड़ा मारे। मैं हूं रंगा डाकू। अरे मुझे याद आ गया, आपने तो बड़े डाके मारे। ये बताइए कि किसी का दिल चुराया कभी? अभी तक तो नहीं। चचा मिया। डाकू भाईजान खबरदार, ये चचा वचा यहाँ नहीं चलता। ये हाई सोसाइटी है, यहाँ पे अंकुल वंकुल कहा जाता है, समझ आई? यार अजीब लोग हो तुम लोग, डाकू से डरते ही नहीं। हम डरते ही नहीं। हाँ तो अंकल क्या बताऊं? जी जी, बकौल एक फिल्मी गीत के डाकू की जुबान पे बेख्तियार एक गाना आ रहा है। चल फिर इरशाद यार। रंगा डाकू यार, समझाओ इसे। ओहो, इनके कहने का ये मतलब है कि इरशाद करें, गाना सुनाए। कौन सा गाना था? माड़ा है तो माड़ा से। काउंटिंग जी, 1 2 3 4। माड़ा है तो माड़ा से यार जो है, कुछ भी होवे ओ साडा प्यार जो है, क्यों डोले दा क्यों
क्यों माये दा गिला करा मैं तला के बारे बिस्मिल्ला करा इन्ना लिला करा। ओए मैंने कहा था नहीं डाकू नहीं रंगा डाकू, ये फैमिली हमें बातों में जाकर हमारा जान डाके से हटाना चाह रही है। डाकू भाई ये पेट वाला दोस्त क्या था? अल्लाह ना करे जी अल्लाह ना करे। आप लोग हमें कोई कीमती चीज दिखाने लाए थे। तो देखें आप कीमती चीज ये खड़ी हुई है। कैसे लो आपके तो 2 टके नहीं मिलने। कीमती जगह खड़े रहो, मैं कीमती चीज लेके भी आता हूँ। सोच समझ के आप देखे तो सही ना। अभी आए। चलो देख लेते हैं, इंतजार कर लेते हैं। ये देखिए ये वो लोटा है जिसको हिटलर भी और इब्ने बतूता भी इस्तेमाल करते रहे हैं। ओहो व्हाइट गोल्ड बड़ा कीमती मालूम होता है। पूरे 1000 का है। पाउंड पाउंड। आपके पास कहां से आया ये कीमती लोटा? ये हमारे पास खानदानी लोटा है। ये पानीपत की लड़ाई हो रही थी उस जमाने से ये हमारे आबा व अजदाद के पास था, फिर हमारे परदादा के पास आया, फिर दादा के पास आया, फिर अब्बा के पास आया, अब मेरे पास आया, अब हम आपको पेश करेंगे ये लोटा। नहीं भाईजान प्लीज ये लोटा मुझको दे दे, जितना जेवर है आप ले ले। तो पास कर तराई निकाल। एक मिनट, हम जेवर नहीं ये ही लोटा लेंगे और इसे बेच के करोड़ों डॉलर कमाएंगे, क्यों साथियों? हाँ हाँ हम ये लोटा ही लेंगे। रंगा भाई इसके 3 हिस्से होंगे। Why not? भाई हमारे यहाँ छोटे बड़े सब अपना हिस्सा जरूर मांगते हैं। बिल्कुल हाँ भाई हाँ, मुल्क की खिदमत करने का सिला बाज लोग ऐसे भी लेते। वैसे मुझे ये बताएं कि ये डाकू लोगों का ठिकाना कहाँ होता है? हम डाकू लोग बड़े बड़े लोगों की पनाह में रहते हैं। हमें ये पक्की खबर मिली कि आपके पास बहुत बड़ी तिजोरी है। ये टिड्डू बड़ा तेज है। कहाँ है तिजोरी? बताते हैं लेकिन पहले जान पहचान तो हो जाए। करो। आपका ताल्लुक ईद मुबारक से है। हो गए, बताओ कहाँ है तिजोरी? तिजोरी हमारे पास है लेकिन रंगा भाई फिलहाल इस लोटे पर तो कब्जा करें। ये रख लो लोटा और आपस में ईमानदारी से बांटो। ठीक है, तिजोरी किस तरफ है? तिजोरी उस तरफ है, आइए मैं आपको ले चलता हूँ। चलो मैं सबसे पहले वहां ले गया जहाँ बाकी माल पड़ा हुआ है। क्या गाने निकले हैं? आ जाए। ये तो वही कमरा है, गुजरे थे आप यहाँ से। हाँ हाँ वही है। तो तशरीफ, अब टाइम वेस्ट नहीं होगा, माल चाहिए जल्दी से जल्दी। मैंने अपनी जिंदगी में इतनी बड़ी तिजोरी नहीं देखी। ओए ख्वाब में भी नहीं देखी। कम से कम ख्वाब तो ढंग के देख लिया करो यार। मैं जब भी अपने आप को ख्वाब में देखता हूँ, रोमियो रांझा मजनू और माहिवाल के रूप में देख चुका हूँ। ये रूप तो मैंने कभी नहीं देखा, कि मजबूरन किया क्योंकि नौकरी नहीं मिलती, क्या करें। वैसे लगता है कि आपने इश्क के मामले में काफी कम पाया है। बेगम अब वो बेचारे आधी रात को आए हुए हैं, ऐसा ना करो। वो जो लेडी डायना ने तुम्हें एक सेट दिया था ना डायमंड वाला? हाँ 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 जी हाँ जी हाँ जी, दे दो। अच्छा जी मैं तो लेडी डायना का वो सेट दे दूँ तो जो आपको चार्ल्स ने दी थी वो हीरो वाली घड़ियाँ वो देना मेरे भाई को। देखिए डाकू साहब ये जो अलमारी है ना इसमें जो कुछ भी है वो आपका है। शुक्रिया। हम पे एक भी चीज हराम है, बस हमारी कुछ शर्तें हैं। यार अजीब लोग, मुझे तुम लोगों की समझ नहीं आई। डाकुओं से शर्तें? वैसे तो आजकल बड़े बड़े इज्जतदार भी शर्तें लगाते हैं, इसलिए तो पकड़े जाते हैं। हाय हाय क्या अच्छी घड़ी थी वो, एक ये मनुष्य घड़ी है। मनुष्य किसको बोला? घड़ी को कहा है जी, आपको नहीं कहा। डाकू है, घड़ी घड़ी मेरा दिल धड़के। हाँ लेकिन ये घड़ी बार बार तो नहीं आती ना। आप मुझे बड़े पहुँचे हुए लगते हैं। पहुंचा हुआ हूँ तो इसलिए यहाँ तक पहुंचा हूँ। डाकू बेटे। बेटे तिजोरी इधर है। ओके ओए उल्टी है। ओ अच्छा, वो इतनी चीजों का नाम ले लेके हमारे मुंह में पानी ले आए, वो चीजें निकालते क्यों नहीं है? बताए जा रहे हैं कुछ दे नहीं रहे। हम आपको सारा माल देने के लिए तैयार है लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं, वो आपको माननी पड़ेगी। लो जी पहली बार डाकुओं से किसी ने शर्त लगाई है, मैं हर शर्त मानने को तैयार हूँ। हराम है जो कुछ देवे। हमारी पहली शर्त ये है कि मेरा 600 सफों का दीवान है, शायरी करता हूँ मैं, वो आपको सुननी पड़ेगी। और इसके साथ साथ जो मैंने नए गाने बनाए ना वो आपको सुनने होंगे विद परफॉर्मेंस।
और ना डाकू भाई, आपको ना मेरी मामूली आसान आसान पहेलियां भी बुझनी होंगी। अब फिर ये तिजोरी आपकी हो जाएगी। अच्छा, मान जाइए ना। इस घर में मुझे इतनी मोहब्बत और इतना प्यार मिला है कि अब इनकार तो हो ही नहीं सकता। इतना भी नहीं मिला? अरे डाकू भाई, ऐसा इंटरटेनमेंट होगा ये सारी जिंदगी याद रखोगे। चले सबसे पहले मैं डैड से दरखास्त करूंगी। रहने तो बैठे हैं आराम से। ओहो, शेर सुनाने के लिए कह रही हूँ। अच्छा अच्छा। डैड इरशाद। अर्ज किया है, अर्ज किया है। तक तक दुम दुम, तक तक दुम दुम, तक तक दुम दुम, तक तक दुम दुम, प्यार में हो गए तेरे गुम। तक तक दुम दुम, तक तक दुम दुम, तक तक दुम दुम, तक तक दुम। सारी शॉपिंग की हमने, फिर भी चीजें हो गई कम। तक तक दुम दुम, तक तक दुम, तक तक दुम दुम, तक तक दुम। वैसे तो इनका है कजन, नाम है इसका पूरा सम। तक तक दुम दुम, तक तक दुम, तक तक दुम दुम, तक तक दुम। वाह 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 वाह, मुकरर जी ना मुकरर। अरे मुकरर ना बोल, वरना स्मेल हो जाएगी। वाह जी वाह, तका तका दुम दुम ते तका दुम। एक मिनट ठहरो, दुम 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 दुबर दुबर दुम। ये तो हो गई जी 25 दुमे। अर्ज किया है, आईना जो देखा हमने कहा, आईना जो देखा हमने कहा, क्या ये ही हो बेगम तुम। तका तका दुम दुम। अच्छा, अब मैं, मेरी बारी, मैं भी एक पोइम सुनाऊं। हाँ हाँ, डाकू रोज रोज थोड़ी आते भाई, सुन लो बच्ची पोइम सुना रही है यार। इरशाद। लकड़ी की काठी, काठी पे मोटा, एक है कलेजी दूसरा है पोटा, पोटा 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 तुम उठा के घोड़ा। बस करो भाई, ये तुम फैमिली की शायरी और गाने हमें पसंद नहीं आए। चलो चलो बात जान छोड़ो आप हमारी। नहीं भाईजन, ठहरे ना भाई, मेरी तो पहली बूझे ना पहले आप। एना दे सुन लो। वो पहली है, तितर के दो आगे तितर, तितर के दो पीछे तितर, आगे तितर पीछे तितर, बोलो कितने तितर। एक तितर, दो तितर, चार तितर, तितर पितर, जैसे मादर पितर, मादर पितर। तुम्हारा बाप भी नहीं गिन सकता कितने तितर। ये भी नहीं गिन सकते। हेलो जी जी, माफ कीजिएगा, आपके घर तक आवाज गई है, असल में मुशायरा हो रहा था। जी जी जी, डाकू साहिबान तशरीफ लाए हैं। आप भी तशरीफ ले आए, अच्छा लगेगा, डीएसपी साहब भी होंगे, डाकू भी होंगे। हाँ हाँ, आइए ना, तशरीफ ले आइए। लो जी मुबारक हो, डीएसपी साहब मोबाइल समेत आ रहे हैं। डीएसपी साहब आएंगे ना बाद में, सबसे पहले सारा माल निकाल दो, अब तो मैं गोली मार ही दूंगा। नीचे रखो, रखो दो बड़े भाई कहने। रखो, चल बा, चल 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 सारी रात चल बा, चल चल बा, भाई हो बा, भाई हो, अरे भाई चलो बा, चलो इधर चलो। डाकू भाई, आपको डर नहीं लग रहा? डीएसपी साहब आ रहे, आप नहीं भागेंगे? क्यों, आने दो। क्यों, आपको खौफ नहीं है? नहीं नहीं, मुझे किस चीज का खौफ है? ये देखो, ओए मैं हूं आपका पड़ोसी, क्योंकि पड़ोसियों का है फर्ज मदद आपकी। पैसा फेंक तमाशा दे, पैसा फेंक तमाशा दे, ऐसा देख ना वैसा देख।